ओके सो हे गाइस वसो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू रियलिस्टिक शेडो फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीजीज का मैं यूज़ करूँगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो में आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि गाइस आप इस वीडियो को मतलब कि जो कलर करेक्शन वाला पार्ट है उसको यार कंप्लीट देखना, क्योंकि गाइस जब तक आप उस वाले पार्ट को नहीं देखोगे गाइस आप बिल्कुल एकदम सेम रियलिस्टिक फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइस वाला पार्ट जरूर देखना। एंड गाइस अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको पहले अपनी फोटो को जो है गाइस जैसे किसी भी मतलब कि सिंपल वॉल के पास क्लिक करवा लेना। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको उसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन मतलब कलर करेक्ट करने थोड़ा, जैसे कि गाइस हम यहाँ पे एडजस्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे जैसे कि शेडो हमारी फोटो में ज़्यादा तो हम यहाँ पे शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड यहाँ पे गाइस थोड़ा हाईलाइट है जो गाइस इसको भी हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद जो ब्राइटनेस है हम इसको भी थोड़ा बढ़ा दे दें। एंड गाइस अगर आपकी फोटो में पूरी कलर करेक्शन एकदम पहले से अच्छी सी एडजस्टमेंट ठीक हो तो आप गाइस इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर लेना। बाकी सैचुरेशन भी कम कर लेते हैं, डन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा ना जो यहाँ पे अपने मॉडल का जो फेस है इसको भी स्मूथ करेंगे, तो मैं यहाँ पे गाइस थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ब्लर में जाएंगे एंड ऐसे ब्लर में लेके हम इसको जो ओपेसिटी है 3 तक रखेंगे। एंड गाइस ये स्क्रीन रीडर के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो ये तो मैंने गाइस थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया गाइस, ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है ब्लर से भी हमारी फोटो जो है अच्छी स्मूथ हो जाती है। बट गाइस मैंने ऑटोडेस्क में कैसे आप मतलब कि अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो उसके ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके जरूर देखना। बाकी चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जब आप इतना काम हो जाएगा तो आपको करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको जो है विंडो शेडो का जो पीएनजी है आपको उसको ऐड करना है, ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर लेना। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। एंड गाइस इसकी ओपेसिटी जो थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको, तो क्या करना है आपको उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी में जाना है एंड इसकी ओपेसिटी जो आपको हमें कम कर देनी है, ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कम कर लेना, आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। एंड गाइस इसके बाद आपको साइज है जो कुछ इतना रखना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, अराउंड 40 तक रख लेते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम सिंपली डन कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पे एक विग्नेट का पीएनजी और ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ऐड फोटो में जाएंगे एंड ऐसे ऐड करेंगे इस पीएनजी को विग्नेट के। एंड इसमें क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे अपनी इस फोटो को यहाँ पे भी डन कर देते हैं। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फ्री अगर अपनी फोटो को डन कर लेना है एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे अपनी फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है ऐसे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि एक्चुअली काम तो अब हमारा लाइटरूम में ही है। तो आपको अगर आप फोटो ऐड करोगे तो आपको जाना फिर यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे जो हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। एंड इसके नीचे यहाँ पे आपको शेडो मिलेगा तो आपको शेडो को जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है, तो शेडो को बढ़ा देने के बाद आपको करना है एंड गाइस व्हाइट को भी थोड़ा बढ़ा देना है एंड ब्लैक को थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको क्या करना है आपको जाना है ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में, कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन है जो इसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे थोड़ा टेम्परेचर को कम कर देना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में यहाँ पे और कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लेना है येलो कलर। एंड गाइस जो जो कलर इसमें ना हो आपकी फोटो में उसको आपको यहाँ पे सिंपली इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसका डार्क ब्लू है गाइस, जैसे कि आपको अगर फोटो में ब्लू टोन चाहिए हो तो आप इसका सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसको एकदम माइनस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे करना आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, फोटो में थोड़ा सा विग्नेट डालना है अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा राउंडनेस वाला ऑप्शन, ठीक है, राउंडनेस आपको उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस बढ़ानी है। एंड उसके बाद आपको फोटो में नोड रिडक्शन है जो भी मतलब कि फोटो में नॉइज होगा वो हट जाएगा इससे। एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस ऐसा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।